अच्छा, ये जो ग्राफ है, अगर आप इसको देखो तो इसमें दो आपके पास ग्राफ हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन हमारे पास है जहां आप देखो कि आपके पास टॉ एम और सिग्मा वाई एस को जो है हमने यहां नॉर्मलाइज किया है विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिंग कंपोनेंट और इसकी एंड्योरेंस लिमिट या फटीग लिमिट, ठीक है, इन प्योर बेंडिंग। सो बेसिकली ये जो हमारे पास रिलेशन है, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि अगर हम इनको आपस में नॉर्मलाइज करते हैं, कह लें जब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन कंपोनेंट्स को, तो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरह की कर्व की फॉर्म में आ रही होगी। सो इसमें जो टॉ एम है वो बेसिकली स्टैटिक टॉर्जनल स्ट्रेस, इसको कहा जाता है। स्टैटिक टॉर्जन का मतलब है कि इसमें ऑल्टरनेटिंग कॉम्पोनेंट नहीं ले रहे, या कह लें कि ऑल्टरनेटिंग कॉम्पोनेंट अगर हम जीरो कंसिडर करें तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बनेगी, या आप यूँ समझ लें कि ऑल्टरनेटिंग कॉम्पोनेंट जीरो है किसी भी फ्लक्चुएटिंग लोड के केस में, तो हमारे पास ये हमारे पास कर्व बनेगी। फ़र्ज़ किया कि अगर हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, सो हमारे पास जो है अगर वो आपके पास फुली रिवर्स बेंडिंग है, ठीक है, फुली रिवर्स बेंडिंग में कंबाइंड विद रिवर्स टॉर्जन, आपको पता है कि रिवर्स के अंदर मेन कॉम्पोनेंट ज़ीरो होता है, यानी कि अगर मैं आपको दिखा सकूँ दोबारा से, सो हमने यहाँ इसको कवर किया था, ये देखें फुली रिवर्स की अगेंस्ट देखें हमने कवर किया था कि यहाँ क्या था, मीन कंपोनेंट ज़ीरो बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम सेम है, सो वो ज़ीरो हो जाएगा। सो अगर फुली रिवर्स्ड का केस है तो हमारे पास कुछ ये दूसरी वाली जो ग्राफ है ये वाली फॉलो हो रही होगी, ठीक है। सो इसमें आप देख रहे हो टॉ ए और सिग्मा ई एस, यानी कि फटीग लिमिट इन प्योर टॉर्जन के केस में क्या एंड्योरेंस लिमिट है, डिवाइडेड बाय आपके पास ऑल्टरनेटिंग जो है कॉम्पोनेंट बेंडिंग स्ट्रेस का कितना है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा ई, यानी कि फटीग लिमिट इन प्योर बेंडिंग कितनी है। सो इनके दरमियान जब रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, सो हमारे पास ये कर्व हमारे पास बन रही होगी। जो आपके पास यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास ये कुछ राउंड हैं, कुछ रेक्टेंगल हैं, कुछ ओवल शेप हैं, सो वो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि हमारे पास ये निकल क्रोमियम स्टील के केस में एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास क्या आया था। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डाटा को शो कर रहा है, और जो कर्व है इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और इसमें इजीली एक्सेल पे भी हम बना सकते हैं किसी भी हमारे पास डाटा हो तो ट्रेंड लाइन क्या बांध रही है, कि ट्रेंड किस किस्म का ओवरऑल। सो आगे चलते हैं और यहाँ हम देख लेते हैं, अभी तक हमने तमाम डिस्कशन कर ली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कि शाफ्ट की आपने लेंथ क्या रखनी है, ठीक है, कि बहुत बड़ा कंसर्न होगा, ठीक है, और आपके पास जो है कह लें कि शाफ्ट का डायामीटर क्या होगा, ठीक है। सो जो डायामीटर है, बल्कि पहले लेंथ की बात कर लें, तो लेंथ के लिए जो है हमें ये रिकमेंडेशन है, यानी कि जो हमारी कोर्स बुक है उसमें ऐसे कुछ इस तरह की लिमिटेशन नहीं है, बट उन्होंने ये कहा है कि आपने शाफ्ट की लेंथ को एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखना है, ठीक है, क्योंकि जितनी ये लेंथ ज़्यादा होती जाएगी ये कैंटिलीवर बीम का केस बनता जाएगा, और कैंटिलीवर बीम में आपको पता है टुवर्ड्स द एंड जो है आपकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होती है, सो हमने उसको अवॉइड करना है और हमने इसकी लेंथ को जो है हमने मिनिमम रखना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ जो आपके पास क्या कहते हैं, जो ये जो फार्मूला है बेसिकली ये हमारे पास कहलाता है ईएसएमई मेथड। यहाँ से हम शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास जो स्ट्रेस है वो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है जी। सो इसकी कुछ अजम्पशन है, सबसे पहले ये कि हम यहाँ सिर्फ फुली रिवर्स बेंडिंग का केस लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो मेन कॉम्पोनेंट होगा बेंडिंग का वो हो जाएगा ज़ीरो, और इसी तरह स्टेडी टॉर्क हम लेंगे, यानी कि जो अल्टरनेटिंग टॉर्क है वो हम लेंगे ज़ीरो, ठीक हो गया। और ये जो है यूजेस इलिप्टिकल कर्व फॉर द फेलियर एनवेलप, यानी कि बेसिकली जो हमने यहाँ ये कवर की थी ये वाली इलिप्टिकल कर्व इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास जो है ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है, अगर हम KFSM और KF जो है सॉरी KFSM को अगर हम 1 के इक्वल कर दें तो हमारे पास ये रिलेशन इसमें शॉर्ट फॉर्म में बन जाता है। फर्स्ट करें क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर आपके पास जो है जो हमने अज्यूम कंपोनेंट, यानी कि ये पहला कंपोनेंट है ये दूसरा कंपोनेंट है, फ़र्ज़ करें कि ये नॉन ज़ीरो हो जाते हैं तब क्या करेंगे, तो उसके केस में हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है। अब इसमें देख रहे हैं कि आपके पास मीन कंपोनेंट भी मोमेंट का आ रहा है, अल्टरनेटिंग भी है, टॉर्क का भी अल्टरनेटिंग भी है, मीन दोनों कंपोनेंट आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हो गई, इसमें कुछ दो और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हमारे पास है कि जो ये हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फार्मूला ये हमारे पास है सॉलिड शाफ्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम होलो शाफ्ट क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, होलो शाफ्ट वर्सेस सॉलिड शाफ्ट, चलें इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि होलो शाफ्ट की जो है ना स्टिफनेस ओवर मैस रेशो जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ।
स्टिफनेस ओवर मैस रेशियो जो है वो इसकी ज़्यादा है, बट इशू ये है कि अगर आपने इसको यूँ हॉलो बनाना है तो आपको बेसिकली जो साइज़ है शाफ्ट का वो बहुत आपको ह्यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखें उसकी वजह ये है कि आपके पास जो सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है, अगर आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, सो वो आई क्या होगा, इज इक्वल टू पाई डी 4/64। अगर आपने यही आई की वैल्यू जो है आपने हॉलो शाफ्ट के लिए पूरी करनी है, अब आप खुद देखें कि आपके पास पाई डी आउटर 4 - d inner 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 64, सो ये वैल्यू जो है आई की ये कम है। और अगर मैं यहाँ कलर्स चेंज करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, सो ये जो आई की वैल्यू है यह ज़्यादा, सो इसका मतलब है कि अगर आपने जो है इस हॉलो इस सॉलिड शाफ्ट को रिप्लेस करना है हॉलो शाफ्ट से, ठीक है, सो आपको जो शाफ्ट का डाया है वो ऑटोमेटिकली आपका अपवर्ड जाएगा, ठीक है, सो वो साइज़ बड़ा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है, सो इस वजह से हम प्रेफर करेंगे सॉलिड शाफ्ट को, ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात है कि हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं सॉलिड शाफ्ट को ओवर हॉलो शाफ्ट। सो यहाँ तक जो है आई होप के हो गया, ठीक है, इसमें इससे पहले से मैं एक चीज़ जो है एक और भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, लेंथ ऑफ शाफ्ट के लिए जो है लेट मी जस्ट फुल स्क्रीन इट। अच्छा, सो शाफ्ट लेंथ का ऐसा जो है कोई रिलेशन मौजूद नहीं है, ठीक है, बट दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप सिंपल देखते हैं ना, यानी कि आपकी जो बुक है वो ये कह रही है कि आपने शाफ्ट की लेंथ एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखनी है, ठीक है, और दूसरा जो है उसने ये रिकमेंडेशन दिया है कि उस पर अभी चलें बाद में आते हैं। अच्छा, और उसने एक डिफ्लेक्शन की उसने बात की है कि डिफ्लेक्शन जो है वो आपकी 0.005 इंच से जो है ना वो कम होनी चाहिए, यानी कि जब आप इसको आप प्लेस कर रहे हैं सो लाजम होता है ये डिफ्लेक्शन आ रही होती है यहाँ शाफ्ट में, सो बेसिकली वो कह रहा है कि 0.005 इंच से कम होनी चाहिए। सो अगर हमें डिफ्लेक्शन मालूम है तो हमारे पास एक फार्मूला आप लोग पढ़ के आए होंगे, थीटा इज इक्वल टू टी इंटू एल ओवर जे इंटू जी। सो बेसिकली यहाँ से हम लेंथ ऑफ शाफ्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा हमें पता है कि वो 0.005 इंच से हमने कम नहीं करना, सो ये एक रिलेशन मौजूद है। अगर मैं कुछ और रेफरेंस बुक की बात करूँ, कुछ और ऑथर्स जिस तरह आर एस खुरमी है वो कहता है कि जो स्टैंडर्ड लेंथ है शाफ्ट की वो नॉर्मली 3 मीटर भी होती है, 5 मीटर भी है, 7 मीटर भी है, सो उसने वो बहुत लेंथ उसको एक्सीड कर दिया। सो दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं कह लें कि उसमें, मगर दोनों ऑथर्स का इस बात पे एग्रीमेंट है कि हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम शाफ्ट की लेंथ इवेंचुअली फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ना, अगर ये फार्मूला है, अगर आप इसमें देखो ना कि इसमें मोमेंट आ रहा है और इसमें टॉर्क आ रहा है, तो इसका एक और जो है कह लें कि अभी हम आगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे, उसका फ़ायदा ये हमें पता लग जाएगा कि किस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, सो हमने शाफ्ट के उस पॉइंट के ऊपर कोई लोड नहीं लगाना, ठीक है, सो इस वजह से यानी कि ये जो कह लें कि शाफ्ट की डिज़ाइनिंग या फार्मूलाज, इस वजह से भी इनकी ये डेरिवेशन और तमाम प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता लग सके कि किस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या है और किस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ कोई गियर वगैरह या बेल्ट वगैरह लगा सकते हैं, यानी कि ऐसे नहीं है कि जहाँ आपका दिल किया आपने जो है लगा दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक हो गया। सो अब न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल को सिंपल थोड़ा सा पहले समझ लें कि इसमें है क्या। यहाँ जो है इसको एंड दो एंड पे सपोर्ट दी गई है, ठीक है, जिस तरह यहाँ ये सपोर्ट है, ये दूसरी सपोर्ट है, और यहाँ आप देख रहे हो कि उसके ऊपर जो है वो गियर माउंट किया हुआ है। याद है मैंने आप लोगों को अभी जो लास्ट हमने देखा था कि आपने शाफ्ट को माउंटिंग कैसे करनी है, सो आप यहाँ देख रहे हो कि बेरिंग्स को यहाँ माउंट किया गया है दो इनर रिंग्स के साथ, ठीक हो गया, ये माउंट हो गया, ये दो बेरिंग्स मौजूद है। बेरिंग का बेसिक मकसद यही है कि इनको सपोर्ट देना और रोटेशन में इनकी मदद करना। हमारे पास ये एक शाफ्ट है और शाफ्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ डिफरेंट डायमीटर्स मौजूद हैं, सो ये बेसिकली सबसे बड़ा है जिसको मैं रेड से ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये डी नॉट है, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं सेकंड एरिया जो है यहाँ मेंशन कर देता हूँ ये लाइट ग्रीन से कलर से, बेसिकली दिस इज़ D1, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास एक और यहाँ शाफ्ट के एरिया जो मैं ब्लू से हाईलाइट करूँगा, ये वाला एरिया भी D2 है और ये वाला एरिया भी D2 है, ठीक है, यहाँ शाफ्ट का डायमीटर इन दोनों केसेस में सेम है,
ठीक है, और लास्टली ये पर्पल के साथ कर देता हूँ। सो ये हमारे पास शाफ्ट का डायमीटर D3 है। यहाँ दो तरह के जो है लोडिंग लग रही हैं, दो चीज़ें लग रही हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे पास ये गियर मौजूद है, और ये हमारे पास जो है शेफ या फिर पुली मौजूद है। सो बेसिकली हो कुछ ऐसे रहा है, आप समझें कि हमारे पास एक तरह से कि ये जो पुली है यहाँ से ये लोड आ रहा है और शाफ्ट जो है आगे गियर में ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली या फिर आप इसको यूँ समझ लें कि ये हमारे पास एक गियर है और गियर से जो है हम आगे पुली में कर रहे हैं। इट कुड गो आइदर वे, ठीक है, आप दोनों तरफ से जो है इसको हम ये लेके चल सकते हैं। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन से देखते हैं, सो आपको यानी कि अगर मैं साइड व्यू से देखता हूँ, ठीक है, हाँ मुझे इसको रेज करना पड़ेगा क्योंकि ये, हाँ अगर मैं ये साइड व्यू से देखता हूँ, सो आप यहाँ देखोगे कि आपके पास ये पुली मौजूद है और पुली के भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक F1 है, एक F2 है। जो पुली होता है, जब हम आगे चल के जब हम डिस्कस करेंगे पुलीज वगैरह और रोप्स वगैरह और बेल्ट्स वगैरह, सो हम देखेंगे कि दो साइड्स होती हैं। और आप लोग ये FSE में भी करके आए हो, एक को हम टाइट साइड बोलते हैं और एक हमारे पास होती है बेल्ट में स्लैक साइड। ठीक है जी, सो यानी कि यहाँ से वो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है वो टाइटर साइड होगी, दूसरी साइड जो है वो स्लैक साइड होगी। इसी तरह पीछे गियर मौजूद है, गियर में भी दो तरह गियर जो है वो बेसिकली उसमें फोर्स ऑफ गियर लग रही है। जब हम डिज़ाइन ऑफ गियर पढ़ेंगे मशीन डिज़ाइन एंड CAD 2 में, सो हम देखेंगे गियर में दो तरह की फोर्सेज होंगी। एक हमारे पास होगी रेडियल फोर्स, और एक फोर्स को हम बोलते हैं कि ये गियर में टेंजेंशियल फोर्स होती है। ठीक है, सो ये जो फोर्स ऑफ गियर है ये भी रिजॉल्व होगी, और इसका प्रेशर एंगल हमें गिवन है। प्रेशर एंगल बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास ये स्पर गियर है, ठीक है, सो बेसिकली जो कह लें कि यहाँ से करके एक एंगल यूँ बनता है, ठीक है, वो अराउंड होता है, ये कह लें कि 20 डिग्री है, वो प्रेशर एंगल है। सो यहाँ हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो शाफ्ट हमने ये डिज़ाइन करनी है, इसका डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इस ये जो है इट शुड ट्रांसमिट 2 हॉर्स पावर एट 1725 RPM। RPM हमें गिवन है, और हमें जो है कह लें कि गिवन है जिसकी पावर हमें जो है गिवन है कि इतने इतने जो है इतने ये RPM ट्रांसमिट करने हैं। टॉर्क एंड फोर्स ऑन द गियर आर बोथ कॉन्स्टेंट विद टाइम। सो इसका क्या मतलब है कॉन्स्टेंट विद टाइम? इसका मतलब यह है कि गियर की फोर्स जो हम ले रहे हैं वो बेसिकली हम मीन के अंदर कंसिडर कर लेंगे, और जो है इसमें विद टाइम ये उस तरह वेरी नहीं हो रहे। ठीक है, बट इसमें जो है एक चीज़ आपने नोट करनी है कि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता दिया गया है कि जी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने मिनिमम 2.5 रखना है। ठीक है, और इसको जो है अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जब ये तमाम चीज़ें दे गई हैं हमें टॉर्क का नहीं बताया गया, सो हो सकता है कि टॉर्क जो है वो हमारा जो है उसको भी हम अभी देख लेते हैं, बाकी चीज़ों को आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो हमें टॉर्क नहीं गिवन, तो हमें ये पता है कि पावर गिवन है और RPM गिवन है। ठीक है, सो सॉरी टॉर्क हमें यहाँ बता दिया गया है, माई बैड अपोलॉजीज फॉर दैट। टॉर्क हमें बता दिया गया कि वो कॉन्स्टेंट विद टाइम है। सो कॉन्स्टेंट विद टाइम है, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ आप लोगों को ये बताया था कि जी अगर ये आपके पास कॉन्स्टेंट विद टाइम है तो आपने ये रिलेशन यूज़ करना है। ठीक है, सो ये चूंकि कॉन्स्टेंट विद टाइम है, सो हम आगे चलते हैं। और यहाँ ठीक है, सो आप ये देख रहे हो कि 2 हॉर्स पावर आपके पास ये यानी कि बेसिकली ये पावर आ गई। ठीक है, 6600 ये वो कन्वर्जन फैक्टर आ गया, 1725 RPM N आ गया, और 2π/60 से किया, सो जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 73.1 पाउंड इंचेस। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये फार्मूला भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि पावर हॉर्स पावर में है, 6600 आएगा कि बेसिकली आपने इंच पाउंड पर सेकंड जो है उसमें जब आपने कन्वर्जन करनी है हॉर्स पावर को, क्योंकि इसमें यूनिट्स नॉर्मली फीट यूज़ होते हैं, फीट से जब आपने कन्वर्जन करनी है, और फिर ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, मिनट को फिर आपने अगर वो सेकंड वगैरह में करना है, तो उस वजह से भी आपके पास यहाँ ये फैक्टर एक आएगा। ठीक है, ओमेगा, और फिर आगे 2π/60। अच्छा जी, जो इसमें एक चीज़ हमें यहाँ बता दी गई है वो ये है कि जी टॉर्क एग्जिस्ट ओवर द पोर्शन ऑफ शाफ्ट बिटवीन शेफ एंड द गियर एंड इज़ यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड ओवर दैट लेंथ। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है वो बेसिकली हमारे पास जो ये पोर्शन है आपके पास इन बिटवीन द गियर एंड द शेफ यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इसके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है,
और इसमें ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। यानी कि जो गियर के बाद वाला पार्ट है उसमें ये टॉर्क का उस तरह इम्पैक्ट नहीं होगा, टॉर्क उसमें नहीं अफेक्ट कर रहा होगा। ये एक तरह से बहुत ज़रूरी भी है, इसको भी हम आगे इसको हम देखेंगे भी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है ये जो पुली है इसकी फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। सो पुली की फोर्सेस फाइंड आउट करने के सॉरी गियर एंड शिफ्ट दोनों की फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले जो है हम पुली के गियर के शेफ के ऊपर आ जाते हैं। अगर शेफ के ऊपर आप ये दोबारा ये देखो क्रॉस सेक्शनल ये सामने व्यू है। सो एक इसकी टाइटर साइड होनी है, एक इसकी स्लैक साइड होनी है। आप फर्ज़ करो कि ये जो पार्ट है जो मैं अभी पर्पल से मैंने हाईलाइट किया, आपको ये पार्ट नहीं नज़र आ रहा कि एक मोटर है जो कि आगे बेल्ट की मदद से एक पुली को रोटेट कर रही है और पुली के साथ कोई ना कोई शाफ्ट लगी है जो कि आगे गियर को पावर ट्रांसमिट कर रही है। सो बेसिकली ये वी बेल्ट है। सो वी बेल्ट में जो है दोनों साइडें जो है इसकी टेंशन में होती हैं और इनमें जो टाइटर साइड और स्लैक साइड जैसे मैंने आपको बताया इनके दरमियान रेशो जो है वो आपके पास है 5, ठीक है। और इसी तरह जो नेट फोर्स होती है यानी कि एसोसिएटेड विद मूविंग टॉर्क, ठीक है, वो बेसिकली नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल कंपोनेंट है जो कि F1 - F2 होता है। और फोर्स डेट बेंड्स शाफ्ट जो है जिसकी वजह से कह लें कि शाफ्ट में बेंडिंग होगी वो शेयर फोर्स है, वो बेसिकली इन दोनों को फोर्सेस को ऐड करके मिलती है। अच्छा जी, सो ये देखें कि जो ये रिलेशन है F1/F2 = 5 जो कि हम मैंने यहाँ लिख दिया कि रेशियो बिटवीन फोर्स बिटवीन टाइट साइड एंड स्लैक साइड इज टेकन एज 5, ये गिवन ये कह लें कि थंब रूल है, ठीक है। उसके बाद नेट फोर्स एसोसिएटेड विद मूविंग फोर्स या कि नॉर्मल फोर्स जो है बेसिकली वो एसोसिएट करें यानी कि टॉर्क के साथ, ठीक है। क्योंकि देखें आपके पास जो है ये अगर वो बॉडी है ये इसका रेडियस है, सो ये फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल फोर्स है बेसिकली वो आपके पास ये इसको रोटेट करने में मदद कर रही होगी। सो Fn जो है हमारे पास हम यहाँ से अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज F1 = 5F2। आपको ये गिवन है कि नॉर्मल फोर्स = F1 - F2। सो अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पुट कर देता हूँ सो Fn जो है वो मेरे पास बचेगा 5F2 - F2 यानी कि 4F2, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ कि Fn/4 = F2, ठीक है। इसी तरह एक और आपके पास यहाँ रिलेशन गिवन है कि फोर्स ऑफ शेयर जो है यानी कि बेसिकली शेयर फोर्स की वजह से जो बेंडिंग हो रही है डैट इज़ द सम ऑफ बोथ फोर्सेज F1 और F2। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि Fs = F1 F1 यानी कि आपके पास यहाँ 5F2 + F2 ये हो गया। सो फोर्स ऑफ शेयर जो है बेसिकली वो हमारे पास बन जाती है 6F2, और F2 जो है वो आपने यहाँ देखा कि Fn/4 है। सो इसको जो है आप यहाँ लिख सकते हो कि फोर्स ऑफ शेयर = 6/4 फोर्स ऑफ यहाँ नॉर्मल फोर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि ये 1.5 Fn है। सो इस तरह ये हमारे पास ये कंप्लीट डेरिवेशन होती है। सो दो कंपोनेंट हमारे पास जो है बेल्ट के हो गए, ठीक है, Fn और Fs ये हमारे पास हो गए बेल्ट के। इसी तरह गियर को भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से जो है अब अगर हमने Fn निकालना है, सो Fn जो है बेसिकली डैट इज़ एसोसिएटेड विद मूविंग टॉर्क, ठीक है, हमने यहाँ डिस्कस किया। सो टॉर्क जब हमने निकाल लिया Fn = क्योंकि देखें टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है। सो आपने यहाँ से सिंपल जो है हमने यहाँ से फोर्सेज एंड शेप में जब हमने निकालने की कोशिश की सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 73.1/3। सो ये हमारे पास 24.36 आ जाएगा। और चूंकि ये हमारे पास दोनों फोर्सेस जो हैं आपको याद होगा हमने बात की थी कि टेंशन में होती हैं, सो इस वजह से ये साइन देख रहे हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह हमारे पास फोर्स ऑफ शेयर है डैट इज़ 1.5 Fn, सो 1.5 Fn किया 36.54 आ गया, ये भी हमारे पास है पॉजिटिव, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अब हमने निकालनी है टेंजेंशियल गियर की फोर्सेज, हमने निकालनी है, हमें प्रेशर एंगल गिवन है। देखें हमारे पास ये गियर की फोर्सेज अगर आप यहाँ से देखो तो ये हमारे पास कहाँ जा रही है, ये फोर्स जो यूं लग रही है इसका मतलब है कि ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और जो वाई है वो होगा नेगेटिव। अगर मैं इसको फोर्स ऑफ गियर को कन्वर्ट करूं तो बेसिकली जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपके पास फोर्स टेंजेंशियल होगी और जो ये फोर्स है ये हमारे पास होगी रेडियल फोर्स, ठीक हो गया। सो इस वजह से जब आप देखो जब हम यहाँ टेंजेंशियल फोर्स निकालते हैं फोर्स ऑफ गियर टेंजेंशियल,
सो टी ओवर आर 73.1 जो हमने निकाला था टॉर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ओह सॉरी, एक चीज़ मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गया कि जो ये डिस्टेंस है आपके पास, ये गियर देख रहे हैं, इसका भी ये जो है डायमीटर आपके पास 6 गिवन था, और जो हमारे पास ये शेप था इसका भी जो डायमीटर था वो यहाँ 6 गिवन है। सो बेसिकली जो ये आर यूज़ हुआ है शेप के अंदर, ये बेसिकली क्या था, ये हमारे पास शेप का जो है डाया था, और जो हमारे पास सॉरी नॉट डाया, डैट इज रेडियस एक्चुअली। सो मैं इसको रेज करता हूँ और इसको यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस। और इसी तरह जो ये हमारे पास है, ये बेसिकली आपके पास होगा गियर का रेडियस, ठीक हो गया। सो अब आप यहाँ देख रहे हो कि वाई कंपोनेंट था, वाई कंपोनेंट की वजह से यहाँ नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। इसी तरह रेडियल फोर्स जो है, बेसिकली ये रिलेशन भी जो है ये हम मशीन डिज़ाइन कैट टू के अंदर पढ़ेंगे कि आपके पास जो फोर्स ऑफ रेडियल फोर्स होती है डैट इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ गियर, ठीक है, और टैन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आपको मैं यहाँ से प्रूफ भी करके दे सकता हूँ। अगर देखो ये आपके पास एंगल है, ठीक है, और हमारे पास टैन क्या होता है, टैन बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर आपके पास जो है यहाँ आप कह लें कि रेडियल फोर्स है, ठीक है। सो आपके पास सिंपल जो है जो टेंजेंशियल फोर्स या जो परपेंडिकुलर था वो सॉरी ये आपके पास परपेंडिकुलर था, ठीक है, और ये आपके पास बेस था। सो बेस जो है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके पास रेडियल फोर्स आ जाएगी। सो ये देख रहे हो चूंकि ये भी पॉजिटिव है आपके पास। सो यहाँ तक आपने देख लिया कि हमारे पास तीन फोर्सेस नेगेटिव हैं और एक हमारे पास तीन पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब हमने आगे चलना है और अब हमने समेशन ऑफ फोर्सेस करना है। अभी तक हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस नोन है और कौन सी अननोन है, देखो हमारे पास हमने शेप की दोनों फोर्सेस निकालनी, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख लूँ, ठीक है, तो शेप की दोनों फोर्सेस जो हैं वो निकाली, मैं 2/2 लिख देता हूँ। इसी तरह गियर की जो है वो हमारे पास दो फोर्सेस आनी थी, वो भी मैंने निकाल ली। कौन कौन सी फोर्सेस अब यहाँ रह गई, लाजमी बात है ये जो हमारे पास बेयरिंग्स हैं इनकी फोर्सेस रह गई हैं। अच्छा, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा, देखिए हमारे पास एक्स में और कोई ऐसा फोर्स नहीं एक्ट कर रही, ठीक है, कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है। सो इस वजह से हमें एक्स में कोई फोर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। सो अगर आपने यहाँ जो है समीशन ऑफ फोर्सेस करना है, ठीक है, सो समीशन ऑफ फोर्सेस अगर हम करते हैं, ठीक है, सो कौन कौन सी फोर्सेस आपके पास एक्ट कर रही हैं, समीशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन ठीक है, समीशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू आप ज़ीरो करेंगे, ठीक है, बल्कि माय बैड, आर एक्स जो गियर की फोर्स है वो हमारे पास यहाँ एक्स में एक्ट कर रही होती है, ठीक है। सो इस वजह से लाजमी बात है R1 और R2 का भी X और Y में कोई ना कोई कंपोनेंट आ रहा होगा। सो इसको जो है अब हमने यहाँ सॉल्व करना है। सो समेशन ऑफ फोर्सेज ज़ीरो, कौन कौन सी फोर्सेज हैं जी, अगर हम यहाँ लिख लें कि हमारे पास यहाँ R1 की फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी, ठीक है, R2 की फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी, फोर्स ऑफ गियर एक्ट कर रहा होगा, उसके बाद हमारे पास फोर्स ऑफ शेप जो है या फिर पुली वो एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और ये इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। और अगर आपने जो है समेशन ऑफ मोमेंट आपने लेना है, ठीक है, अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि पॉइंट ए जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट जहां हमारे पास ये आर वन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बेसिकली ये पॉइंट। सो यहां से अगर हम अच्छा, और एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं बल्कि ये बेहतर होगा कि मैं आप लोगों को यहां बता दूं। ये देख रहे हो कि हमारे पास ये जो डिस्टेंसेज हैं ये बॉडीज़ के मिड तक लिए जा रहे हैं, जो हम रियल टाइम में लेते हैं, क्योंकि रियल टाइम में तो आपके पास हर बॉडी की कोई ना कोई थिकनेस होती है। सो हम उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। फॉर इंस्टेंस ये देखो आपके पास ये, अब गियर से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, सो आप ये देख रहे हो कि ये गियर ये मिड से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह ये शेप के साथ ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं ये मिड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हम मिड से ही ये फोर्सेज हम काउंट फॉर कर रहे होंगे। अच्छा जी, सो कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, अगर मोमेंट हम अबाउट ए हमने ज़ीरो किया, सो सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ R2 है, लाजमी बात है ये R2 एक्ट कर रही है, और R2 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो हमारे पास है B, जो कि हमें ये 5 गिवन है, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मैं बल्कि कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सी फोर्स होगी, सबसे पहले तो R2 इंटू बी, एक तो ये फोर्स होनी है, दूसरी फोर्स कौन सी होनी है, मैं साथ इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि मैं हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद लाजमी बात है एक शेप की फोर्स होनी है, शेप का डिस्टेंस देखो आपको Q 6.75 गिवन है,
ठीक है। सो यहाँ और बी जो है वो आपके पास यहाँ गिवन था अराउंड 5। जो सी एफ की फोर्स है सो यहाँ एफ एस मल्टीप्लाई बाय क्यू, और क्यू आपको गिवन है 6.75। प्लस थर्ड कौन सी फोर्स है, लाजमी बात है आपके पास यहाँ फोर्स ऑफ गियर भी मौजूद होनी है। सो फोर्स ऑफ गियर के लिए आपको यहाँ देखो पी गिवन है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फोर्स ऑफ गियर मल्टीप्लाई बाय पी, और पी आपको गिवन है कि वो आपके पास है 2। तो ये हमारे पास तीन फोर्सेज हैं। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, बट हम इन्हें पहले सॉल्व करके देखेंगे। अगर आप यहाँ देखते हो ना, आपके पास जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं ठीक है अलॉन्ग एक्स, कौन कौन सी हैं, एक आर वन एक्स है, एक आपके पास लाजमी होता है आर टू एक्स होगा ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ फोर्स ऑफ गियर है, और आपके पास जो कह लें कि जो शीयर फोर्स बेसिकली इसमें एक्ट कर रही होगी वो आपके पास अलॉन्ग एक्स कह लें कि ये एक्स जेड प्लेन के अंदर एक्ट कर रही है ठीक है। इसको इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ ये देख रहे हो कि आपके क्रॉस सेक्शन में ये आपके पास प्लेन है, ये आपके पास वाई है, ये आपके पास एक्स है, और जो ये वाला प्लेन है जो ये नज़र आ रहा है ये बेसिकली जेड प्लेन है ठीक है। ये देख रहे हो ये जो मैं ब्लू से लाइन लगा रहा हूँ ये जेड है, और जो ये आपने फोर्सेज एक्ट की हैं सो बेसिकली ये हमारे पास वो एक्स है और वो आपके पास वाई है। सो ये हमारे पास कुछ फोर्सेज जो हैं इसमें एक्ट हो रही हैं ठीक है। सो एक्स जेड प्लेन में हमारे पास लाजमी बात है जो शीयर फोर्स है वो इस एरिया के पैरेलल होगी इस, और ठीक है। सो बेसिकली यानी कि फोर्स ऑफ शीयर भी कुछ ऐसे एक्ट कर रही होनी है यहाँ ठीक है। सो इस वजह से यहाँ ये चार फोर्सेज हैं ठीक है। अब आर वन एक्स जो है ओके ओके सो लेट मी जस्ट सॉल्व डैट फॉर यू गाइज ठीक है। हम इसको यहाँ अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ठीक है। सो इसको जो है हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे, और ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए इसमें। अच्छा सबसे पहले जो है हमने जो एक चीज़ यहाँ मेंशन की है वो रिलेशन था हमारे पास ये चीज़ ठीक है। सो यहाँ से जो है हमने मैंने ये इक्वेशन हमने डिराइव कर ली थी ठीक है। ये हमने बात कर ली थी कि आर टू बी होगा और ये सारा कुछ होगा। सो अब आर टू बी जो है, अगर आपने यहाँ से अब आर टू निकालना है सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इट एम्प्लाइज आर टू जो है वो आपके पास सिंपल क्या होगा इज इक्वल टू, लाजमी बात है अभी इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन, आप साइन कन्वेंशन को अभी भूल जाएं ठीक है। वो हमने आई जे के में वैल्यूज ली हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देंगे। सो आपके पास आर टू जो है जब वहाँ जाएगा सो वो नेगेटिव हो जाएगा, सो वो नेगेटिव साइन जब यहाँ आ जाएगा सो वो -1/b, और अब आपके पास ये वैल्यू जो है आपके पास फोर्स ऑफ गियर, और आपके पास ये पी में पी डिस्टेंस बचा, प्लस फोर्स ऑफ शीएफ, और आपके पास क्यू बचा। सो ये आपके पास वैल्यू बनती है -1/5 फोर्स ऑफ गियर, यानी कि आपके पास यहाँ पी की वैल्यू देखें तो वो 2 है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2 इंटू फोर्स ऑफ गियर प्लस फोर्स ऑफ शीएफ, या जो आपके पास एफ एस है, मल्टीप्लाई बाय क्यू जो कि आपके पास है 6.75। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना सो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बनेगी आर टू इज इक्वल टू -0.4 एफ जी -1.35 फोर्स ऑफ शीएफ। ये इक्वेशन जो है कह लें कि ये इक्वेशन 1 है, और आपने जो है ना इक्वेशन 1 इसके अंदर पुट कर देनी है ठीक है। सो इसके अंदर जब आपने जो है पुट करनी, बल्कि ये तो मैंने इक्वेशन किसका नाम दे दिया, सो इसको मैं रेज कर देता हूँ ठीक है। सो ये जो है वैल्यू आप कह लें कि अब हम इसमें पुट जब करते हैं सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि इट एम्प्लाइज जो है ना हमारे पास ये इक्वेशन, अगर मैं इसको ए कह देता हूँ सो फ्रॉम ए अगर मैं बात करूं सो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी कि आर वन इज इक्वल टू -f(g) ठीक है -f(s) माइनस, अब आर टू जो है आर टू की जगह ये वैल्यू पुट कर दें -0.4, और ये आपके पास जो है f(g) -1.35
यहाँ सॉरी इसके साथ भी ये माइनस आना था, माइनस ये माइनस 0.4 एफ ऑफ जी माइनस 1.35 एफ ऑफ एस, ठीक है। सो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारे पास बननी थी माइनस 0.6 एफ जी और प्लस 0.35 एफ ऑफ एस। ये आप लोगों ने साथ साथ करते जाना है और इसको आपने देखना भी है, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है और इसके बाद जो है मैं इसको रेज कर देता हूँ तमाम इक्वेशंस को, ठीक है। अच्छा अभी हमने ये जेनेरिक लिखा है, अब बेसिकली अगर हमने जो है ना अब एक्स और वाई के जब कंपोनेंट फाइंड आउट करना है सो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम, और वो मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, बल्कि अभी हम जब इसे सॉल्व करते हैं सो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें जो है आपके लिए कितनी आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आर वन पे आते हैं तो आर वन एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इट एम्प्लाइज के आर वन एक्स जो है डैट इज इक्वल टू माइनस 0.6 फोर्स ऑफ गियर एक्स में कितनी है प्लस 0.35 फोर्स ऑफ शीएफ जो है वो एक्स में कितनी है, ठीक है। सो अब जो है हमारे पास जो फोर्सेस हैं कह लें कि फोर्स ऑफ गियर एक्स में, वो तो आपके पास आ गया रेडियल फोर्स, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि फोर्स ऑफ शेफ जो है वो एक्स और वाई में कितनी है। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये आप देख रहे हो कि ये दोनों फोर्सेस एक्स में एक्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ शेफ है या फोर्स जो है वो भी आपके पास जो, ठीक है, जो हमने यानी कि यहाँ से ये फाइंड आउट किया, ठीक है, बेसिकली ये फोर्स ऑफ शेयर, ठीक है, ये एफ एस, ये बेसिकली आपके पास एक्स में एक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये दोनों फोर्सेस जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो शेयर फोर्स भी इसी में एक्ट करनी है ना, यूँ इसके यानी कि बेसिकली इस फेस के पैरेलल। सो बेसिकली वो भी हमारे पास सिर्फ एक्स में मौजूद है, ठीक है, और वाई में होगी वो ज़ीरो, ठीक है। ये देखें यहाँ एक्स में ये मौजूद है, वाई में है ये ज़ीरो। इसी तरह गियर की फोर्स 8.87 मौजूद थी, वाई में थी वो ज़ीरो। सो यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है कि 0.6 ये माइनस का साइन, फोर्स ऑफ गियर एक्स में देखो कितनी है, फोर्स ऑफ गियर एक्स में यानी कि रेडियल कंपोनेंट 8.87 प्लस 0.35 फोर्स ऑफ शेफ एक्स में यानी कि 36.54। दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन फाइनल जो वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास आनी है तकरीबन 7.47 LB। इसी तरह जब हमने आर वन वाई फाइंड आउट करना है, सो कलर भी चेंज कर लेते हैं, आर वन वाई फाइंड आउट करना है सो डैट वुड बी इक्वल टू माइनस 0.6 फोर्स ऑफ गियर वाई में प्लस 0.35 फोर्स ऑफ शेफ वाई में। फोर्स ऑफ शेयर वाई में जो है ना ये तो आपके पास है ज़ीरो, फोर्स ऑफ गियर वाई में यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट माइनस 24.36 ये वैल्यू मौजूद है, सो डैट वुड बी इक्वल टू माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 24.36। सो जब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो हमारे पास जो आर वन वाई है वो हमारे पास बनेगा 14.61 पाउंड्स। सो इस तरह हमने जो है यहाँ से अब आर वन भी फाइंड आउट कर लिया है और आर वन एक्स भी फाइंड आउट कर लिया और आर वन वाई भी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद रह जाता है कि हमने आर टू एक्स फाइंड आउट करना है और आर टू वाई फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए जब हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास इवेंचुअली यहाँ से फोर्स ऑफ गियर देखो एक्स में आपके पास 8.87 है, फोर्स ऑफ शेफ जो है वो माइनस 36.54 है। सो इस तरह इवेंचुअली हमारे पास ये माइनस 52.87 आर टू एक्स आएगा और जो आर टू वाई है वो पॉजिटिव में 9.74 आएगा, बिल्कुल उसी तरह यूज़ करते हुए। ये तो हो गई एक चीज़, जब हमने ये तमाम अब हमारे पास फोर्सेस नोन है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। सो ये जो है कह लें कि अभी हम बात कर रहे हैं एक्स जेड प्लेन के अंदर, ठीक है, यानी कि जो फोर्सेज एक्स एक्सिस में लग रही हैं और जेड प्लेन तो आपके पास जो है ना ये वाला प्लेन है बेसिकली, ठीक है, दिस प्लेन इज जेड प्लेन, लाजम होता है फोर्सेज तो इसके ऊपर एक्ट करें, मगर हम क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं सो आप बेसिकली हम इन फोर्सेज को एक्ट करें जो इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में लग रही हैं।
तो कौन कौन सी फोर्सेज हैं, मैंने कुछ इस तरह से इसको डिवाइस किया हुआ कि जो फोर्सेज ना, यानी कि कह लें कि यह हम ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया था कि जो फोर्सेस पॉजिटिव में हैं उनको मैंने अपवर्ड शो करा दिया, जो फोर्स नेगेटिव में एक्ट कर रही थी उसको डाउनवर्ड शो करा दिया, ताकि हमारे पास जब ये बनाना हो हमने शियर डायग्राम तो ये हमारे पास ईजी हो। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि जो आर टू एक्स है सिर्फ वो नेगेटिव में, बाकी एक्स में तमाम तीनों फोर्सेज पॉजिटिव हैं। सो आर वन एक्स हमारे पास सबसे पहले आता है, यानी कि जीरो पे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ बात की थी ना कि आपके पास सॉरी, यहाँ हमने पहले एक जिक्र किया था कि जो फोर्स है ना, जो टॉर्क है वो हमारे पास एक्ट कर रहा है सिर्फ आपके पास ये, यानी कि जो टॉर्क एग्जिस्ट ओवर द पोर्शन ऑफ शाफ्ट बिटवीन शेफ एंड द गियर। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो ये पार्ट था जिसको मैं अब ये हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन में, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। ठीक है, सो अब आप देख रहे हो कि जब हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाई है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया ज़ीरो से, और ज़ीरो पॉइंट वो है जहाँ आपके पास ये आर वन ये मौजूद है, जहाँ मैं ग्रीन से ये एनसर्कल कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ सॉरी। सो आर वन एक्स आपके पास कितना है, 7.47। सो आपने सबसे पहले ये लाइन लगाई 7.47 पे ये लाइन लगी, और ये कितना एक्सटेंड करेगी, 2 इंचेस तक। ठीक है, ये इंचेस में है क्योंकि 2 इंच बाद जो है ये देखो, ये आपके पास ये लाइन चली 2 इंच तक। ठीक है, उसके बाद आपके पास गियर आ जाता है, गियर की फोर्स एक्स में कितनी है जी, 8.87। ठीक है, सो ये 7.47 प्लस, यानी कि बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, 7.47 प्लस 8.87, सो ये बेसिकली तकरीबन 18.54 समथिंग बनती है वैल्यू। ठीक है, सो जस्ट लेट मी वेरीफाई इट, 7.47 और 8.87, सो ये बेसिकली 16.34 ये वैल्यू बनती है। सो लेट मी जस्ट रेज इट, और इसको मैं यहाँ इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये आपके पास बनना है तकरीबन 16.34। ठीक है, उसके बाद जो है ये वैल्यू आपके पास शाफ्ट की चलती जाएगी और यहाँ तक जाएगी कि आपके पास नेक्स्ट फोर्स जो है कहाँ आ रही है, ये हमारे पास बेरिंग वाली फोर्स आ रही है, जो कि उसके बाद ये डिस्टेंस है तकरीबन 3.5 का ये डिस्टेंस है। ठीक है, सो उसके बाद 2 और ये 3, यानी कि 5.5 तक ये आपके पास ये डिस्टेंस जो है जाएगा, सॉरी 3.5 मजीद आ गई, सॉरी नॉट 3.5, ओवरऑल ये बेसिकली 5 ही बन जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से। सो बेसिकली ये यहाँ तक ये वैल्यू गई। ठीक है, और अच्छा ये देखो, ये स्टार्ट तक जो है ना बेसिकली इसके सेंटर से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस 3.5 है, और उसके बाद अगर आप देखो ना तो ये दरमियान में जो ये डिस्टेंस है, ये बेसिकली आपके पास यहाँ पहले यहाँ ये डेढ़ पे डेढ़ के डिस्टेंस पे था यहाँ, सो ऑलरेडी हमने इसको 2 के डिस्टेंस पे कंसिडर करना है क्योंकि गियर के सेंटर से लगना है। सो उसके बाद जो है आपने यहाँ से आगे मूव करना, और ये माय बैड सॉरी, एक मैं चीज़ करेक्ट कर दूँ, 3.5 का डिस्टेंस इस पॉइंट से है ना कि इस पॉइंट से है, सो बेसिकली 3 यूनिट्स ही आगे मूव करना है 5 पे। सो ये हमारे पास यहाँ 5 पे आ गया, और ये वैल्यू आपके पास देखो आर टू एक्स कितने, -52.87। सो जब आप 16.34 में से माइनस करोगे 52.87, सो ये वैल्यू आपके पास बन जाती है तकरीबन माइनस ये वैल्यू। ठीक है जी, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू है ना, ये आपके पास बनती है -36.53, या तकरीबन राउंड अबाउट 5.54 बनती है। और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ आखिरी वैल्यू है शेफ की एक्स में, वो बेसिकली 36.54 है, सो इवेंचुअली यहाँ जाके वो ज़ीरो हो जाता है। और यहाँ ये देखो, ये जिस डिस्टेंस आपके पास 5 था, सो 5 के बाद अगर आप इनके दरमियान ये डिस्टेंस नोट करो ना, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी आप देख रहे हो कि अराउंड 1.5 है। ठीक है, सो आप ये देख रहे हो कि आपके पास ये है यहाँ अराउंड 6, यहाँ जाके 6.75 पे बेसिकली ये डिस्टेंस आपके पास ये लॉक होता है। ठीक है, सॉरी नॉट 1.5, अगर आप ये कंप्लीट देखो ना ओवरऑल, ये 6.75, सो बेसिकली जहाँ यहाँ स्टार्ट से डिस्टेंस 6.75 बनता है वहाँ जाके ये ज़ीरो हो जाता है, और इवेंचुअली ये 8 तक क्यों
आप इसके नॉर्मल इसको चलाते हैं, यानी कि इसकी ये ओवरऑल जो ये लेंथ है आप इसको पूरा कर रहे हैं, यानी कि 1.5 का डिस्टेंस, ताकि यहाँ तक जो है ये टोटल 8 हो जाए। सो इस तरह से ये होना था। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हमने अब एक्स जेड प्लेन में, तो हमने यहाँ बना ली, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट फेज के अंदर शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, और उसकी वजह यह है कि हमने देखा था कि दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि जो शियर टॉर्क है उसकी वजह से शियर फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से, बेंडिंग की वजह से मोमेंट जनरेट होगा। सो मोमेंट निकालने के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी पड़ती है। अच्छा, सो ये तो हो गई एक चीज़, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप एक ये हमने लाइन पढ़ी थी कि टॉर्क एग्जिस्ट ओवर द पोर्शन ऑफ शाफ्ट बिटवीन द शेफ एंड द गियर एंड इज़ यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड ओवर डैट लेंथ। सो इसका मतलब है कि ये गियर और शाफ्ट वाला जो पार्ट है, जो कि ये रेड में एक लाइन लगाई है मैंने, इसके दरमियान मौजूद होगा, जो ये रेक्टेंगल जो मैं बना रहा हूँ ये पार्ट, इसके अंदर ये सॉरी नॉट दिस वन, बेसिकली ये जो गियर से सॉरी अच्छा यस जो गियर से ये वाला जो पार्ट है आउटर, ठीक है, यहाँ जो है ये एक्ट नहीं कर रहा होगा। अगर आप ये डिस्टेंस देखो, सो ये पी डिस्टेंस जो है इसके सेंटर तक ये टू डिस्टेंस है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से शियर की डायग्राम आप देखो, तो देख रहे हो कि टू तक जो है वो ज़ीरो है, उसके बाद जैसे ही गियर आता है वो सीधा 73.1 पाउंड पे गया, और उसके बाद वहाँ से ये कांस्टेंट रहा थ्रू आउट यहाँ तक के 6.75, जो कि ये लास्ट पॉइंट है शीफ का, ये देखो 6.75, यहाँ जाके ये इवेंचुअली वहाँ ड्रॉप डाउन होगा, ज़ीरो होगा, और ये एंड हो जाएगी डायग्राम। सो ये हमारे पास था, हमारे पास शेयर फोर्स या टॉर्क मैग सॉरी नॉट शेयर फोर्स बेसिकली टॉर्क मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स डायग्राम से। शियर फोर्स डायग्राम ये एक्स जेड प्लेन में क्यों, क्योंकि जो ये प्लेन है ये बेसिकली हमारे पास ये जेड प्लेन है, और ये हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये देखो ये वाई प्लेन है और दिस वन इज एक्स। सो अब हमने एक्स जेड प्लेन के अंदर देखना है, तो चार फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एक्स जेड प्लेन में, फोर्स ऑफ गियर इन एक्स, फोर्स ऑफ शेफ इन एक्स, आर वन एक्स और आर टू एक्स, ये चार फोर्सेज हैं। यहाँ मैंने कुछ इस तरह से इनको लेबल कर दिया कि जो पॉजिटिव है वो मैंने अपवर्ड को बना दी है, जो और जो नेगेटिव है उसको डाउनवर्ड को लिए बना दिया। और अगर आप देखो कि जो है हमारी लेंथ शाफ्ट की, वो यहाँ से ज़ीरो से शुरू हो रही है, सो सबसे पहले जो है हमारे पास आर वन एक्स, जो कि आपके पास था 7.47, सो दिस पॉइंट इज 7.47 पाउंड, ठीक है जी। उसके बाद ये डिस्टेंस चलता चलता आपके पास ये टू यूनिट्स तक जाता है पी, यानी कि गियर के मिड तक, और मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस है ये हम मिड पे लेंगे, शेफ के भी देखें मिड में आ रहा है, और सॉरी शेफ के भी ये मिड में आ रहा है और गियर के भी ये मिड से हम डिस्टेंस लेंगे। सो ये टू यूनिट्स है, सो इसका मतलब है कि 7.47 टू यूनिट्स तक बिल्कुल सीधा मूव किया। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए। सो ये देखो ये मैंने मूव किया, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है फोर्स ऑफ गियर, फोर्स ऑफ गियर एक्स में है 8.87, सो ये आपके पास यहाँ जब ये ऊपर जाएगा, सो ये हमारे पास जो पॉइंट बनता है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारे पास बनता है 16.54। उसके बाद ये गियर की ये लेंथ कितनी है, जो कि जाएगी तकरीबन आप कह लें ये यहाँ तक, ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ से हाफ तक जो है ये डिस्टेंस आपके पास ये टू है, उसके बाद ये डिस्टेंस आपके पास 0.5 है। सो इसका मतलब है कि टोटल आगे आपने ये थ्री यूनिट्स जाना है, जिस तरह आपके पास ये मेंशन है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये पांच डिस्टेंस पे जाके ये फोर्स एक्ट कर रही है। सो आपने क्या किया, यहाँ से टू पे करके मज़ीद आप थ्री यूनिट्स आगे लेके गए, और अब यहाँ देखो आर टू एक्स डाउनवर्ड एक्ट करिए, आर टू एक्स कितना था -52.87। जब आप इसको डाउनवर्ड एक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ये लाइन है ये यहाँ आ जाएगी, और जो हमारे पास ये पॉइंट है ये बेसिकली -36.54 आता है। इसी तरह जो हमारे पास आखिरी पॉइंट है शेफ के मिड में, ये देखें ये यहाँ डिस्टेंस यहाँ तक आएगा, सो आप ये देख रहे हो डिस्टेंस है आपके पास 6.75, ठीक है। याद रखिएगा, दोबारा ये कंफ्यूज नहीं करना कि अगर आप यहाँ देखो ना, तो ये 6.5 डिस्टेंस आ रहा है शेफ के स्टार्ट तक, और मिड तक आ रहा है 6.75। आपने 6.5 नहीं लेना, आपने 6.75 लेना है।
अब हम देखो 6.75 पे, फिर ये क्या होगा कि इवेंचुअली ये आपके पास गया और ये इवेंचुअली यहाँ तक ये जाके हो गया ज़ीरो। उसके बाद लाजमी बताइए ये थोड़ी सी लेंथ मौजूद है, टोटल डिस्टेंस आपके पास ये चूंकि यहाँ एंड तक ये 8 है, ठीक है। ये देख रहे हो कि 6.75 के बाद भी आपके पास ही तकरीबन 1.5 यूनिट मौजूद है। सो ये आपने वो यहाँ लगा के कंप्लीट इसको कर दिया। तो इस तरह जो है हमने एक्स जेड के अंदर हमने शेयर फोर्स डायग्राम बना दी। अब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं वाई जेड प्लेन के अंदर। वाई जेड प्लेन के अंदर देखो कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक हमारे पास गियर वाई में एक्ट कर रहा है, एक हमारे पास R1Y एक्ट कर रहा है और R2Y एक्ट कर रहा है। इसमें गियर की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, नेगेटिव है, बाकी दोनों है पॉजिटिव, ठीक है जी। और इसी तरह फोर्स ऑफ शेफ जो वाई में है वो है ज़ीरो। सबसे पहले हम R1 से स्टार्ट करेंगे। सो R1 देखो आपके पास जो है वो यहाँ ज़ीरो पे स्टार्ट था और ये वैल्यू आपके पास थी 14.61। सो ये आपके पास ये वैल्यू रही, ठीक है जी। तो सॉरी ये, ठीक है जी। सो ये आपके पास वैल्यू थी 14.61। आपने ये बनाई 2 यूनिट्स तक गई, उसके बाद फोर्स ऑफ गियर आ गई। फोर्स ऑफ गियर जो है वो वाई में अगर आप देखो तो फोर्स ऑफ गियर वाई में है -24.36। जब आप इसको अब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तकरीबन ये आपके पास -24.36 है और इसमें आप ये कर दो 14.61। सो ये हमारे पास वैल्यू बनती है तकरीबन 9.75 की, ठीक है। सो 9.74, 9.75। सो बेसिकली आपने ये पॉइंट जो है आप ये यहाँ ले जाते हो, ठीक है। सो ये आपके पास वैल्यू बनती है 9.74 के अराउंड अबाउट, ठीक है। और इसको जब आप दोबारा यहाँ से ये देखो ये कितना, ये तकरीबन 3 यूनिट्स आपने ये चलना है, ठीक है। ये 3 है, 3 यूनिट्स हमने यूँ मूव किया। 3 यूनिट्स मूव करने के बाद ऊपर फिर हमारे पास यहाँ ये R2 आ गया, R2Y, ठीक है। सो R2Y आपके पास प्लस 9.74 है। इवेंचुअली हमारे पास ये फोर्स भी जाके यहाँ ये ज़ीरो हो जाती है और इवेंचुअली ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। सो इस तरह जो है हमारे पास ये यहाँ बन जाती है। अगर आपने जो है ना शेयर मैग्नीट्यूड निकालना है, शेयर मैग्नीट्यूड बेसिकली होता है कि आपने सिंपल इन दोनों को ऐड कर देना है। पॉइंट ज़ीरो पे देखो तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है 14.61, और यहाँ आपके पास जो शेयर का मैग्नीट्यूड था वो तकरीबन था 7.87, ठीक है। सो आप जो है कह लें कि दोनों का आपने एड अप करेंगे, स्केयर लेंगे, ठीक है, रूट मीन स्केयर लेंगे, यानी कि 14.61 का स्केयर प्लस 7.87 और इसका स्केयर और होल का अंडर रूट। सो ये वैल्यू बनती है 16.59, ठीक है। जिस तरह आपके पास ये वैल्यू यहाँ आ रही है 16.59 है, उसके बाद ये 2 तक मूव करेगा, उसके बाद आपने अपवर्ड यहाँ मूव किया। सो पॉइंट 2 पे देखो, सो आपके पास ये मैग्नीट्यूड जो है तकरीबन आपके पास बनता है 16.54, ठीक है। और इसी तरह जो आपके पास ये वैल्यू है, ये आपके पास है 9.74, ठीक है। सो यहाँ भी आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि बेसिकली मैं इस पॉइंट का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पॉइंट कंफ्यूजिंग होगा। ये बेसिकली यूँ होगा कि ये वैल्यू है 9.74। सो आप साइन को भूल जाएं, ठीक है, आप बेशक -9.74 कर दो, 9-9.74 स्क्वायर प्लस आपके पास जो ये वैल्यू थी इस पॉइंट पे ये 14.61 है, ठीक है, सॉरी 16.54 है। सो ये वैल्यू और 16.54 और इसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं, सो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 16.54 और इसका स्क्वायर, सो ये हमारे पास वैल्यू बनती है तकरीबन 19.19। सो बेसिकली जो ये पॉइंट है ये आपके पास है 19.19। सो इसी तरह आपके पास इवेंचुअली चलेंगे 0.5 के ऊपर जो फोर्सेज हैं, ठीक है। जिस तरह अब आपके पास ये यहाँ फर्ज किया ये ज़ीरो है, ठीक है, और ये आपके पास जो है यहाँ 0.5 के ऊपर ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है, -36.54, ठीक है। सो आपने जो है इसको जो है जब आप करोगे, सो आपके पास इवेंचुअली ये देख रहे हो कि ये आपके पास वैल्यू आएगी 36.54, उसके बाद इवेंचुअली ये आगे चलेगा और 6.75 पे जाके वो वैल्यू ज़ीरो होगी। सो ये शेयर मैग्नीट्यूड डायग्राम है। अगर आपने इन दोनों की अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, सबसे पहले आप ये देखो इस मोमेंट को, ठीक है। ये पॉइंट मैं यहाँ बता देता हूँ, ये था 7.87 और ये डिस्टेंस था 2। तो 7.87 मल्टीप्लाई बाय 2
यानी कि आपके पास 15.74। सो ये आपको पता है कि जब ये लेंथ हम बनाते हैं यूँ, तो ये आपके पास ये इंक्लाइंड लाइन बनेगी ये। सो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 15.74 का। इसी तरह अब ये देखो, ये वाली अब हमने कर्व बनानी है जिसको मैंने यहाँ इंसर्कल किया। सो इसका जो पीक पॉइंट है, अगर आप देखो तो वो आपके पास है तकरीबन 16.54 है, और ये आपके पास जो है टोटल डिस्टेंस आपके पास है 3। ठीक है, सो 16.54 मल्टीप्लाई बाय 3, सो ये आपके पास बनता है 49.62। और 49.62 में जो है आपके पास ये एग्जिस्टिंग है 15.74, ये ऐड हो जाएगा। सो आपके पास ये पॉइंट बनता है 65.36। ठीक है, सो आपके पास जो ये पॉइंट है, ये आपके पास हुआ 65.36। इसी तरह अब आपके पास इवेंचुअली जब आप ये यहाँ आ जाते हो, ठीक है, अब आपके पास ये वैली जो है तकरीबन ये अगर देखो, सो ये जो मैग्नीट्यूड है आपके पास, ये 36.54 है माइनस, और ये आपके पास जो है डिस्टेंस है तकरीबन 2.7, तकरीबन 5, और ये 1.75 है। ठीक है जी, तो 36.54 मल्टीप्लाई बाय 1.75 डैट इज़ इक्वल टू 63.945। सो बेसिकली वो ये थोड़ा सी यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। सो बेसिकली ये यहाँ जाके आपके पास ये इवेंचुअली यहाँ ज़ीरो हो जाना है। बल्कि लेट मी जस्ट वेरीफाई इट अगेन। ठीक है, ये यहाँ ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, माई बैड, बिल्कुल सही है। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ये मेरे से गलती हुई है। सो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये 7.87 नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल सही आना था वो। ये हमारे पास वैल्यू असल में थी 7.47। सो 7.47 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप करते हैं, सो ये बेसिकली वैल्यू आपके पास बनती है तकरीबन 14.94। और इसमें जो है प्लस जब आप करोगे 49.61, सो ये आपके पास वैल्यू बनेगी तकरीबन, एक मिनट रुके हैं, उसके बाद 16.54 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि तकरीबन ये 49.62 प्लस आप करेंगे 14.94, सो ये आपके पास वैल्यू बनती है तकरीबन 64.56। और उसके बाद इवेंचुअली जो है जब आपने ये डाउन आनी है वैल्यू, ठीक है, तो 30, सो ये आपके पास जो है वैल्यू इवेंचुअली यहाँ आपके पास यहाँ ज़ीरो हो जानी है। सो अब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह जो है आपके पास ये बेसिकली थोड़ा सा बेसिकली 63.94 समथिंग बनती है। थोड़े से कैलकुलेशन में कह लेंगे आप ऊपर नीचे, बट यू गेट द आइडिया कि कुछ इस किस्म का ये आपके पास बनेगी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ अगर हम ये सेकंड को बनाते हैं, सो इनिशियली जो है आपके पास ये 0.00 पे है, ठीक है, और उसके बाद देखो तो आपके पास ये एग्जैक्टली ये आपके पास ये 14.61 का ये आपके पास जंप आया। ठीक है, 7.47 + 8 ठीक है, ये भी वैल्यू, सॉरी यार, ये यहाँ से भी ये सही हो जानी है। बेसिकली 16.54 नहीं बनना था, आपके पास ये वैल्यू बननी थी 16.34। अब ये 16.34 बननी थी वैल्यू, ठीक है, और 16.34, सो 2.34 मल्टीप्लाई बाय 3, सो ये आपके पास जो है 49.02 बनती है। और 49.02 प्लस 14.94, सो आपके पास ये वैल्यू बनती है 63.96, बिल्कुल एग्जैक्ट बनती है। सॉरी, सो माय बैड, यहाँ ये 63.96 ही आना है। सो ये जब आप आएगा, सो इसको इवेंचुअली ज़ीरो करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, सो ये 14.61 है, और 14.61 मल्टीप्लाई बाय 2, सो आपके पास ये जो पॉइंट बनता है दिस वन, ये आपके पास है 29.22। और उसके बाद इवेंचुअली जो आपके पास ये 3 यूनिट्स है, और आपके पास ये 9.74, सो 9.74 मल्टीप्लाई बाय 3,
ये आपके पास बनता है 29.22 एग्जैक्टली। सो आपके पास यहाँ 5 पे जाके ये जीरो हो जाएगा और इवेंचुअली आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ तक ही हमने चार चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद जो है हमने सिर्फ इस स्लाइड को आज हम कवर करेंगे और यहाँ जो है हम ये आज का लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। सो इसमें देखो हमने ये फोर्सेस यहाँ लगा भी दें, ठीक है। अगर आप ये देखो तो आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ लिखता जाऊँ तो ये 14.94 था, ये पॉइंट जो है ये 63.96 था, इसी तरह ये पॉइंट ज़ीरो था और ये आपके पास था 29.22। अब हमने जो है बेसिकली इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि अब एक चीज़ हमारे पास है एक्स जेड प्लेन के अंदर, एक चीज़ है हमारे पास वाई जेड प्लेन के अंदर। अब हमने इन दोनों को इनका रूट मीन स्क्वायर लेना है कि हम इसे ओवरऑल बता सकें। सो ये आपके पास देखो दोनों केसेस में ये पॉइंट बी तो है सेम दोनों केसेस में, ठीक है, 0 to 2, 0 to 2। सो ये तो आपके पास बड़ा सिंपल है कि पॉइंट बी पे 0 to b आपने निकालना है। सो हम इसका बेसिकली यहाँ आरएमएस लेते हैं और आरएमएस वैल्यू जो है ना वो बेसिकली आपके पास यहाँ आप कह लें कि ये ओ से बी के लिए है। सो ये बेसिकली आपके पास होगा 29.22 का स्क्वायर प्लस 14.94 और इसका स्क्वायर। जब इन दोनों को आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये वैल्यू बनती है 32.81, ये पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास आएगा 32.81, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो कि इन आउटपुट वी हैव फाउंड द पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट बी के लिए तकरीबन ये 33 प्लस माइनस ये बेसिकली आपके पास मोमेंट आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट बी होगा ना शाफ्ट का, यानी कि जो ये पॉइंट है ये देख रहे हो कि ये आपके पास ये पॉइंट बी है, ठीक है। सो आपको यहाँ मोमेंट पता लग गया कि यहाँ मोमेंट आपका जो है वो तकरीबन 33 pounds inches यहाँ मोमेंट एक्ट कर रहा होगा इस पॉइंट पे। उसके बाद देखो हमारा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, वो अब हमारे पास ये पॉइंट सी है, क्योंकि यहाँ एक तो रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है, शाफ्ट के डाया की, और हमने यहाँ निकालना है। सो इस वजह से अब पॉइंट सी पे भी हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस कंसेंट्रेशन क्या आ रही है इसके ऊपर। सो वो जब हम फाइंड आउट करने लगते हैं ना, अब इसमें आ जाता है थोड़ा सा एक मसला। मसला क्या आ रहा है कि अगर आप ये देखो ये डिस्टेंस है ना 5, ये देख रहे हो कि यहाँ आपके पास ये है पीक। मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ अब आपके पास है पीक मगर यहाँ 5 पे है 0, ठीक है। तो ये बेसिकली कह लें कि ये थोड़ा सा इशू होता है जब आप इसका आरएमएस लोगे ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप कह लें कि बी से लेके सी तक के लिए। सो बेसिकली किसके इक्वल होगा कि 63.96 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 63.96 ही। सो आपके पास ये वैल्यू तो आ गई 63.96, ठीक है, बट ये जो वैल्यू है ना ये इसमें पैराबोलिक बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आपके पास जो है ना एक वैल्यू पॉजिटिव में है, एक वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो रही है। सो इसका जो ये जो मोमेंट डायग्राम में बनाया जाता है ना, यूँ कर्व बनेगा, ठीक है, ऐसे। यूँ कर्वेचर में बनेगा, ठीक है। ये एक इसमें थोड़ा सा इशू आता है। उसके बाद देखो तो अब आपके पास जो पॉइंट डी, एक तो अब हमने पॉइंट सी को भी कवर कर लिया, उसके बाद देखो पॉइंट डी आ रहा है आपके पास ये यहाँ करके, अगर सॉरी ठीक है, ये यहाँ पॉइंट डी आ रहा है और पॉइंट टी तक का आप डिस्टेंस अगर आप यहाँ मेजर करो तो वो आपके पास है 6.5, ठीक है। हालांकि शेप इसके बाद है वो 6.75 पे शुरू हो रही है, बट हमारे पास जो ये पॉइंट है ये बेसिकली आपके पास है 6.75। अब हम जो है इसको लेके चलते हैं और इसको अच्छा उसके बाद पॉइंट डी को अगर हमने यहाँ फाइंड आउट करना है, सो पॉइंट डी के लिए अगर आप देखो तो आपके पास ये ज़ीरो है और यहाँ पॉइंट डी 6.5 पे ना आपके पास ये वैल्यू बनती है, ठीक है। सो यहाँ से आपने इसको यूँ टेबुलेट कर लेना है, ठीक है, यूँ
सो ये तकरीबन 10 से थोड़ा सा नीचे बनता है, ये तकरीबन आपके पास 8.87 बनती है जहाँ तक मुझे याद है ये वैल्यू ना। सो ये आपके पास 8.87 आती है वैल्यू, या फिर आप इसे प्लस माइनस 9 इंच से कर सकते हो कि बेसिकली पॉइंट डी पे ये 9 इंच है। सो इस तरह ये हमारे पास ये तीन फोर्सेज आएंगे और इवेंचुअली लाजमी होता है इसके बाद ही मोमेंट डायग्राम ये भी देखें, यहाँ से ये भी नीचे फॉल कर रहा है, ये पहले ही जीरो है। सो 6.75 पे तकरीबन ये जाके ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी और इवेंचुअली उसके बाद ये ज़ीरो ही है। सो ये इसमें जो है एक थोड़ी सी चीज़ है, मैं इसमें एक अच्छा एक और चीज़ भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा शायद आप लोगों की उसे अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो सके। अच्छा सो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ, आप ये देखें यहाँ से अगर आप इस इमेज को देखें। सो ये मैंने बेसिकली कोशिश की थी कि मोमेंट जो आपके पास एक्स जेड में और वाई जेड में दोनों को हम कंपैरिजन कर सकें। सो आप अगर आप यहाँ देखो ना, तो आपके पास यहाँ जो ये पॉइंट है ठीक है टू पे, आप देख रहे हो कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर टॉप पे लाइक कर रहे हैं। अगर आप ये यहाँ देखो ना, ये दोनों यहाँ ये स्ट्रेट लाइन में लाइक कर रहे हैं। सो इस वजह से जब हमने यहाँ डिवाइस किया तो आप देख रहे थे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही थी। बट इसी तरह जब हम 0.5 के ऊपर आते हैं ना, ये इस पॉइंट के ऊपर ठीक है, अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखो, सो आप यहाँ देख रहे हो कि एक तो यहाँ इंटरसेक्शन आ रही है ठीक है। सो यहाँ तक तो चलो मान लिया, मगर उसके बाद ये नीचे जा रही है, ये लाइन ऊपर जा रही है। सो जो है ना आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बेसिकली ये आपके पास बन जाता है ठीक है। यानी कि ये बेसिकली ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ठीक है। सो आप देख रहे हो कि ये आपके पास ये नीचे जा रही है लाइन, और इसी तरह ये लाइन ऊपर जा रही है। सो इसकी वजह से जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो लाजमी बात है वो आपके पास यहाँ से इसके बाद यहाँ यूँ कर्वेचर में ये बनेगा। सो अब आप यहाँ देख रहे हो कि जिसकी वजह से ये लाइन जो है यहाँ बी टू सी ये कर्वेचर में जा रही है। इसी तरह देखो जब उसके बाद लाइन है ये स्ट्रेट वे यूँ डाउनवर्ड डिक्लाइन की तरफ है, ये वैसे ही ज़ीरो है। सो इसका मतलब है कि आपके पास ये इवेंचुअली बिल्कुल उसी तरह सिंपल जो है आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये आपके पास आ जाएगा। सो अगर आप यहाँ से इजीली अब हम निकाल सकते हैं 6.5 के ऊपर। अगर आप यहाँ देखो, अगर हमारे पास ये 5 है और ये 6 है, ये 6.75 है ठीक है, और आपके पास ये तकरीबन ये वैल्यू जा रही है ठीक है। सो अगर आप इसको यहाँ से यूँ सॉरी ये ले चलो, सो आपके पास ये यहाँ जाके वैल्यू के मीट करती है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो तकरीबन 8.87 के करीब ये वैल्यू बनती है, यानी कि इवेंचुअली आप इसको 9 कह सकते हैं। सो इस तरह से जो है हमारे पास ये वैल्यू ये आती है ठीक है। सो यहाँ ही हम इसको एंड करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंथी है, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने अब करना क्या है कि आप लोगों का ये टास्क है और आप लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसमें आप लोगों ने ये करके इसको शेयर करना है ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो चुकी है इसके बारे में ठीक है। सो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को करना है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है, और इसको जो है हमने इवेंचुअली ये कम्प्लीट आपने पूरा बाय हैंड सॉल्व करके आपने यहाँ तक जाना है, ताकि जब हम नेक्स्ट वीक जब हम आएँ सो हम यहाँ तक हम सारे एक पेज पर मौजूद हों। अच्छा, जो मेरी अप्रोच होती है टुवर्ड न्यूमेरिकल वो ये होती है कि मैं चीज़ों को स्टेप में डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि डिफरेंट स्टेप में, कि स्टेप बाय स्टेप वन स्टेप एट अ टाइम लेके चलेंगे। इसलिए अब जब देखोगे जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व, जो मेरे न्यूमेरिकल्स होंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो ये स्टेप वन है, स्टेप टू है, जब ये कर लिया उसके बाद ये हमारे पास स्टेप थ्री था ठीक है, जिसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट की। उसके बाद इवेंचुअली आपके पास जो है ये स्टेप फोर इवेंचुअली, और इसी तरह ये हमारे पास आगे चलता जाएगा। सो यहाँ जो हम लेक्चर एंड करते हैं ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों की क्वेरी होती है सो जस्ट लेट मी नो, आई ट्राई टू आंसर दोज। थैंक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।